वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा मैक्स, लैम्डा एम का मतलब मैक्सिमम लैम्डा नहीं होता, इसका मतलब वो लैम्डा की वैल्यू जब मैक्सिमम एमिशन हुआ था। तो मुझे पता है लैम्डा एम इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, मुझे ये भी पता है कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो आपको ग्राफ भी इन्हीं का बनाना है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी। समझाया कैसे? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कैसे? मैंने बताया था, ये क्वेश्चन देख के बताया था कि आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको रेट ऑफ कूलिंग एंड टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में कर्व गिवन होंगे। मान लो दो कर्व गिवन है, एक बी और एक ए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट होती है, लास्ट टाइम बताया था। तो जिसका रेट बड़ा होगा, मुझे ये पता लग रहा है ग्राफ से कि ए का रेट बी के रेट से ज्यादा होगा, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी इसकी? कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक हीट डिस्कस हुआ था। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो ग्राफ देखते हुए पता लग जाएगा कि किसका रेट ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है? नेचुरल लॉग ऑफ ई, ई फॉर व्हाट? ई का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो यानी कि एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और मुझे पता है कि ये जो एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टी की पावर 4। तो हमें ग्राफ किसका बनाना है? इन दोनों के लॉग का। एक काम करो, दोनों साइड्स को का नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ये लो ये लो, लॉग आ गया, पावर नीचे आ गई। तो इसमें इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बनाना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा। ये वाई एक्सिस है, एम ये एक्स एक्सिस है, प्लस कॉन्स्टेंट। स्ट्रेट लाइन ही बन गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चेक करो, वाई एक्सिस में ये है, एक्स एक्सिस में ये है, ये स्लोप आ गई और सम कॉन्स्टेंट आ गया। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। मेडिकल वाले लोग सुन लें, अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव आता है तो ऑप्शन नंबर डी, अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव आता तो ऑप्शन नंबर सी। मेडिकल वाले लोग, समझ में आ रहा है यहां तक? तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? नॉन मेडिकल वाले को तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ, आंसर इज बी। कोई बताएगा बी आंसर क्यों है? क्योंकि जब एक रॉड सीरीज में हो, बड़ी हो छोटी हो, अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड सीरीज में क्या रहती है? सेम। तो ठीक है, हीट जा रही है लेफ्ट से राइट जाने दो, क्यू बाई टी की रेशियो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। देखो ना, हमने सीरीज में की थी ना, रॉड सीरीज में है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो क्यू बाई टी की रेशियो सेम रहती थी ना सीरीज में, करंट सेम रहता है हीट करंट। तो ठीक है, रॉड अगर बड़ी छोटी है तो भी हीट करंट विल रिमेन सेम, पैरेलल में स्प्लिट होगी ना, सीरीज में तो बराबर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। फिफ्थ का आंसर तो सीधा बी है, मैंने आपको चार कर्व बुकलेट के अंदर बना के दिखाए थे, उनमें से आंसर एक बी बी आएगा। ये बनाया था ना, चेक करो, बनाया तो वो जो असाइनमेंट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में चार ग्राफ बनाए थे, टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम का क्या ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली बताया था। चीज़ ठंडी होती है, शुरू में कम होती है, फिर ठंडी 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 होती जाती है। चेक कर लो, पेज नंबर बता देता हूँ, निकला क्या? मैंने ये
डिस्कस नहीं किए असाइनमेंट के अंदर पेज नंबर 30. अच्छा पेज नंबर 30 नहीं डिस्कस किया मैंने, नहीं किया, नहीं किया, ओके. तो फिर रूल ऑफ कूलिंग के अंदर, अच्छा हमने पहले दो ग्राफ डिस्कस किए थे उस पेज पे थे जो ग्राफ अच्छा चलो ठीक है मैं सारे ग्राफ बता देता हूँ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के, कोई बात नहीं. ये लो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर हमने क्या किया था, हमने पेज नंबर 10 पे एक रिजल्ट निकाला था. चेक करते जाओ प्लीज, अब सारे ग्राफ चेक कर लो. पेज नंबर 10 पे हमने रिजल्ट निकाला था लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज माइनस के टी प्लस सी. ये क्लियर है? तो जब ग्राफ प्लॉट करने को आएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट एंड टाइम का, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा. पॉइंट नंबर 1, ये शायद डिस्कस हुआ था ये वाला तो. और ये भी करेक्शन करवा दी थी कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक. पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर कौन सा बताया, ग्राफ कहां पे है, पेज नंबर 1 30. अच्छा पेज नंबर 30 30th पेज के ऊपर चेक करो, पहला ग्राफ क्या मेंशन किया हुआ है, टेम्परेचर का एंड किसका, टाइम का, जो कि एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है. टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन कैसे कैलकुलेट किया ये देख लो. ये रिजल्ट तो आ गया था, ये रिजल्ट आ गया. हम एक काम करेंगे, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी प्लस सी. लॉग राइट चला गया तो ई के ऊपर चले गई पावर, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस के टी प्लस सी. ठीक. तो यहां से वैसे तो ये ग्राफ टच भी करना चाहिए, रीजन क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो तो आपके पास कुछ ना कुछ फाइनाइट टेम्परेचर आएगा, जैसे चाय का कप है 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो 80 से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये यहां टच नहीं करेगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ टाइम के साथ टच नहीं करता एक्सिस को. तो इस तरीके का एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा. तो ये ग्राफ नंबर 1 है पेज नंबर 30 पे, लेफ्ट साइड वाला. राइट साइड वाला ग्राफ सेम है ये वाला, रेट ऑफ कूलिंग ये तुम्हें बता दिया. थर्ड ग्राफ जो है उसके अंदर आपको ये ग्राफ किसके किसके बीच में गिवन है, आर का और थीटा का, थीटा माइनस थीटा नॉट का नहीं प्लीज, फर्क है, थीटा माइनस थीटा नॉट है और ये सिर्फ थीटा है. तो आप इसमें ये चेक कर सकते हो, रेट ऑफ कूलिंग होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का डिफरेंस. ठीक. कूलिंग आ गया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेट जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है. या फिर आर इज इक्वल टू के थीटा माइनस के इंटू थीटा नॉट, वेयर थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. तो अगर मुझे आर का थीटा के साथ ग्राफ प्लॉट करना है तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अभी मैंने बताया मेडिकल वालों के लिए कॉन्स्टेंट जो आ रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट और नेगेटिव में आ रहा है, तो आपका आपका जो ग्राफ बनेगा वो यहां कट करेगा, तो ऐसा कुछ वेरिएशन बनेगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? थीटा के साथ अलग है, थीटा माइनस थीटा नॉट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. डिफरेंस समझ में आ रहा है? और लास्ट ग्राफ तो हमने भी डिस्कस कर ही लिया, सेम ही ग्राफ है. तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, फिफ्थ कर रहे हैं. तो फिफ्थ का आंसर बी क्लियर है, अब ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, राइट. क्वेश्चन नंबर 6 में किसका एरिया बड़ा है, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का, ऊपर वाले का, तो उसका टेम्परेचर कितना है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका एरिया बड़ा होगा उसका टेम्परेचर बड़ा होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. और ये ग्राफ ना कॉन्टिन्यूस है, बीच में ब्रेक नहीं है, वो वैसे ही मिसप्रिंट है बीच में इकट्ठा है. सेवंथ क्वेश्चन, यह हुआ मेंस का क्वेश्चन है, बोलो आंसर. क्वेश्चन नंबर जो 7th है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या था, डी थीटा बाय डी टी, हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था याद है मेथड नंबर 1 से, वैसे ही था ना, डी थीटा बाय डी टी इसके इक्वल होता था. ठीक. अब इसके अंदर, इसके अंदर अगर ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, थीटा में और टाइम में,
और ये ग्राफ है जिसमें आपको दो पॉइंट्स मेंशन करने को दिए हुए हैं, एक थीटा टू और एक क्यू पॉइंट यानी कि थीटा वन, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा नॉट कुछ ऐसे। तो अगर मैं पी के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और स्लोप निकालता हूं, तो स्लोप बताओ क्या होगी किसी भी इंस्टेंट पे, यही नहीं होगी स्लोप, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या मानी जाएगी इसकी स्लोप। ठीक, इसका मतलब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये टर्म क्या है, ये स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। एक काम करते हैं हम पहले पॉइंट लेते हैं पी, पी पी पॉइंट पे टैन ऑफ स्लोप कितनी है, पी पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है यहां पे पी पॉइंट का फाइ टू, तो स्लोप आएगी 180 माइनस फाइ टू। ठीक, लाइन टेढ़ी है ना, तो एंगल यहां पर क्या है फाइ टू, तो ये एंगल क्या बनेगा 180 माइनस फाइ टू, तो टैन ऑफ 180 माइनस फाइ टू इज इक्वल टू माइनस के। टेम्परेचर पी पॉइंट का कितना गिवन है यहां पर, थीटा टू गिवन है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है थीटा नॉट है। तो स्लोप की जगह हमने स्लोप निकाल ली, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है, और पी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है थीटा टू है। सिमिलरली पॉइंट क्यू की बात करते हैं, क्यू पॉइंट जो क्यू पॉइंट है टेन ऑफ 180 माइनस कितना फाइव वन हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा, ये टर्म आ गई। ठीक, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो टेन ऑफ 180 माइनस फाइ टू डिवाइडेड बाई टेन ऑफ 180 माइनस फाइ वन इज इक्वल टू के से के कैंसल, थीटा टू माइनस थीटा नॉट एंड थीटा वन माइनस थीटा नॉट, और टेन ऑफ 180 माइनस फाइ टू की वैल्यू क्या होती है माइनस टेन ऑफ फाइ टू माइनस टेन ऑफ फाइ वन। तो ऑप्शन मार्क कर लो जो भी ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि स्लोप से डी थीटा बाई डी टी से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्या रिलेशन निकलेगा। ठीक, काश, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो एट है, क्वेश्चन नंबर एट में दो ग्राफ दिख रहे हैं एट टेम्परेचर टी एंड 2000, क्लियर है। ठीक, आपको यह गिवन है कि जो एरिया होगा एट टेम्परेचर टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फोर होगा, स्टीफन लॉ, एरिया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन लॉ यही था। और दूसरे केस में एरिया, एरिया की वैल्यू एट 2000 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2000 होल रेज टू पावर कितना फोर, ऐसे ही होगा। अगर हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं तो एरिया एट टेम्परेचर टी, एरिया एट टेम्परेचर 2000 इज इक्वल टू टी बाई 2000 होल रेज टू पावर फोर। और क्वेश्चन में गिवन है कि टी टेम्परेचर पे जो एरिया है वो 16 टाइम्स ज्यादा है 2000 रेज टू पावर फोर, तो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू जो आएगी वो निकाल देना ऑप्शन नंबर 4000 केल्विन आ जाएगी। रिजल्ट समझ में आ रहा है एरिया और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है ना, यहां तक एरिया और टेम्परेचर क्लियर है, हाँ जी। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी कितने लोग बोल रहे हैं, और वो कैसे डी बोल रहे हैं कैसे, आपको नहीं इंटेंसिटी तो ज्यादा है तो उसे टेम्परेचर का लेना देना क्या है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो टेम्परेचर भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा स्टीफन लॉ से, ओके आप ऐसे बोलो एरिया बहुत ज्यादा है टी थ्री का एरिया ज्यादा है तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया भी बहुत ज्यादा होगा, और जितना एरिया ज्यादा होगा टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा, तो टी थ्री से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो डी ऑप्शन बनेगा इसमें। पॉइंट क्लियर है, कल 11 बजे जिसको फर्स्ट लॉ रिवाइज करना है वो सुबह पूरे 9 बजे डॉट पहुंच जाए यहाँ पे। प्लस टू की चल रही है क्लास थर्मो की, थर्मो का फर्स्ट लॉ के जो इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम थी ना, वो वाली जो एडियाबेटिक और वो सब को, अगर वही लेक्चर रिवाइज करना है वैसे क्वेश्चंस का, तो कल 9 बजे है।